जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमको मल्टीटास्किंग करना आना चाहिए। जिस तरीके से कंप्यूटर में एक समय में दो या दो से अधिक वर्क कर सकते हैं अपन, इसी प्रकार आजकल जो नए टैब आ रहे हैं उनमें ऐसी फैसिलिटी है कि एक समय में आप दो या दो से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक टैबलेट में दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ आप वीडियो देख रहे हैं या एक तरफ आप कोई भी किताब बच्चों को समझा रहे हैं या आप अपने लेक्चर देने के लिए एक कोई किताब एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट से और देखने के बाद आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो दो काम आप बड़े ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए आपने एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, जैसे हम द अरविंद सर, जैसे कि न्यूट्रिशंस चैप्टर यहाँ पर खोल लिया गया है। यदि हम साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार बना सकते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए मल्टीटास्किंग क्या होती है। देखिए यहाँ पर पेन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया है जिसको हम आसपास कहीं भी व्यवस्थित कर सकते हैं, सरका सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, पेंसिल की जो निब है वो भी बनी हुई है और बगल में देखिए वीडियो भी चल शुरू रहा है। करते हैं हमारे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का पहला टॉपिक दैट इज अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स। आपके इसी सामने के अंदर हम जो पढ़ेंगे लेक्चर दिए सोर्सेज जा ऑफ रहे न्यूट्रिएंट्स, हैं, रिसोर्स जैसे ऑफ चुनाव में दिए न्यूट्रिएंट्स, जा रहे कोर्स हैं, ऑफ कोई भी हो न्यूट्रिएंट्स, सकते हैं, ये तो सब चीजें यहाँ पढ़ेंगे। आप ठीक, इसको तो नोट डाउन कर सकते शुरू हैं। करते हैं हमारा आज का अब यहाँ हम टॉपिक लिखते दैट हैं इज न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स। अब भाई लिख न्यूट्रिएंट्स करके का हम मतलब आपको क्या होता दिखाते है? हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वो सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो कि हमारे खाद्य पदार्थों में या फूड में या खाने में देखिए मिलते हैं। यहाँ जो ठीक, चल रहा है न्यूट्रिएंट्स का उसको हम मतलब यहाँ क्या पर होता नोट है? डाउन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक या इसका इनऑर्गेनिक प्रिंट भी निकाल कॉम्प्लेक्सेस सकते जो हैं। हमारे खाने में मिलते हैं। तो ठीक, यह होती है अब मल्टी ये जो टास्किंग। न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मुख्यतः दो तरह से होते देखिए हैं, यहाँ पर एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब यार शब्द में ही उसका अर्थ इससे छुपा हुआ पर्यावरण को है बहुत सारा कि लाभ है, मैक्रो, क्योंकि मैक्रो मतलब पेज बनाने के लिए बड़ा, आपको पता है ज्यादा। कितने पेड़ ठीक काटे है, जाते तो हैं, मैक्रो यानी ज्यादा तो होता है पर्यावरणीय और लाभ भी है माइक्रो यदि हम यानी कक्षा कम शिक्षण में होता है, टैबलेट का छोटा उपयोग होता है, करते स्मॉल हैं। होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी तो यह कि मल्टीटास्किंग ज्यादा होती है, मात्रा में एक होगा, समय में ज्यादा बल्क में दो होगा। या तो दो से अधिक मैक्रो वर्क हम यदि न्यूट्रिएंट्स को करते हैं। प्रॉक्सिमेट देखिए यहाँ प्रिंसिपल्स भी पर कहते हैं। बगल में क्यों? क्योंकि वीडियो चल रहा है हमारे खाने और का यहाँ पर नोट्स बल्क ऑफ बनाए जा रहे ज्यादातर हैं, अमाउंट या ज्यादातर जो तो आप परसेंटेज अच्छे से होता समझ है चुके वो ये होंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मल्टीटास्किंग ही क्या बनाती है। होती है। इसलिए जो हमारा फूड का बल्क ऑफ द मेन जो पार्ट होता है, जो मेन बल्क होता है,